डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। टुडे इज 9th मई एंड द डे इज सैटरडे। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने आज के स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले हम इंग्लिश स्टडी करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4। द चैप्टर नेम इज राशिद मिन्हास। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज ब्रेवरी, बहादुरी। करेज, हिम्मत। पैशन, जज्बा, जोश। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, गैर मामूली। प्रिटेंड, दिखावा। एक्सट्रीम, इंतहाई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ट्रांसलेशन। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 23, यूनिट नंबर 4, राशिद मिन्हास। इट इज़ द हीरोज दैट मेक अ नेशन प्राउड। ये हीरो हैं जो कौम के फ़ख्र का बायस बनते हैं। पाकिस्तान हैज़ विटनेस्ड मैनी ब्रेव हीरोज इन द हिस्ट्री। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में बहुत से बहादुर हीरो देखे हैं। वन ऑफ देम इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर नेम हु डिस्प्लेड हिज ब्रेवरी एंड करेज फॉर द मदरलैंड। उनमें से एक नुमाया और मशहूर नाम जिसने अपने मादरे वतन के लिए अपनी बहादुरी और हिम्मत पेश की। हिज नेम इज़ राशिद मिन्हास। उसका नाम राशिद मिन्हास है। ही वॉज बोर्न ऑन फेबररी 17, 1951। वो 1951 को पैदा हुए। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम कराची। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। ही हैड एक्सट्रीम पैशन एंड लव फॉर सर्विंग हिज कंट्री। उनमें अपने मुल्क की खिदमत करने का इंतहाई जोश और जज्बा था। ड्यू टू दिस पैशन ही ज्वाइंट पाकिस्तान एयरफोर्स एट द एज ऑफ 17। इसी जज्बे की वजह से वह 17 साल की उम्र में पाक फिजाइया से मुंसलिक हुए। ही वॉज पोस्टेड टू मसूर एयरबेस एज अ फाइटर पायलट। वो मसूर एयरबेस पर जंगी तैयाराबाज के तौर पर तैनात हुए। इट वॉज 1971 द ईयर ऑफ वॉर विद इंडिया। ये 1971 था इंडिया से जंग का साल। वेन समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी हैपेंड बिफोर द वॉर दैट द नेशन नीडिड। ये जंग से पहले जब एक गैर मामूली वाकया पेश आया जिसकी कौम को ज़रूरत थी। इट वॉज द ब्रेवरी ऑफ राशिद मिन्हास हु सक्सीडेड इन फुलफिलिंग हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री बाई ऑफरिंग हिज लाइफ। ये राशिद मिन्हास की बहादुरी थी कि उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके अपने मुल्क के लिए अपने फ़राइज को अंजाम दिया। वन मॉर्निंग ऑन अगस्त 20 राशिद मिन्हास वॉज अबाउट टू फ्लाई द T-33 ट्रेनर जेट वेन ही सा हिज इंस्ट्रक्टर। एक सुबह 20 अगस्त को जब राशिद मिन्हास T-33 त्यारा उड़ाने वाले थे, उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर को देखा। मतीउर रहमान साइलिंग टू हिम टू स्टॉप। मतीउर रहमान ने उन्हें रुकने का इशारा दिया। ही स्टॉप इट, उन्होंने इसे रोका। एंड मतीउर रहमान गॉट इन टू द जेट, और मतीउर रहमान त्यारे में आ गए। द ट्रेनर प्रिटेंडेड एज इफ ही वर टू ऑब्जर्व द फ्लाइट ऑफ द जेट। इंस्ट्रक्टर ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो परवाज तैयारी की परवाज का मुशाहिदा कर रहा है। ही टुक द इंस्ट्रक्टर सीट, उसने इंस्ट्रक्टर की नशिस्त ले ली। ऑन द अदर साइड देयर वॉज सम अलार्म इन द हेड ऑफ राशिद मिन्हास एज ही टुक दिस एक्ट ऑफ हिज ट्रेनर अगेंस्ट द प्रोटोकॉल्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। दूसरी तरफ राशिद मिन्हास के दिमाग में घंटी हुई जब उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर की इस हरकत को देखा जो पाक फिजाइया के असूल व क़वायद के खिलाफ थी। यहाँ पर आज की हमारी इंग्लिश की डायरी ख़त्म हो गई है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ की तरफ। यूनिट नंबर 3, टॉपिक हमारा फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल। फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स, फॉर एग्जांपल 2/7,
टू इज कॉल्ड न्यूमिरेटर, सेवन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। यानी ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमिरेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। आगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर एक जैसा होता है, सेम होता है। हमारे पास एग्जाम्पल है 3/12, 2/12, 5/12। तीनों फ्रैक्शंस में हमारा डिनोमिनेटर सेम। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। अनलाइक फ्रैक्शन में हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल 18/20, 19/21, दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों में हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब हम चलते हैं अपने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बुक वर्क की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 3A, पेज नंबर 57। फिलिंग द ब्लैंक्स, ए 1/10, 2/10, 9/10 आर डैश फ्रैक्शंस। तो बच्चों 1/10, 2/10 एंड 9/10 आर लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। बी 1/8, 1/10, 1/12 आर डैश फ्रैक्शंस, आर अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि हमने अभी देखा है कि अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होते हैं। चलिए पेज नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 58। सर्कल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। इसमें आपने लाइक फ्रैक्शन के सेट्स को सर्कल करना, मींस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो गए उनको आपने सर्कल करना है। ऑप्शन ए है हमारे पास 3/12, 2/11, 5/12। इसमें लाइक फ्रैक्शंस हैं 3/12 एंड 5/12, इन दोनों को आपने सर्कल करना है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर डी करेंगे। 91/100, 96/101, 89/100। 91/100 को सर्कल करना है और 89/100 को आपने सर्कल करना है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ये है हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस। पार्ट बी और सी आपने बच्चों खुद से सॉल्व करना है। पेज नंबर 59 पे क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक आर अनलाइक। मीन्स आपने बताना है कि इन फ्रैक्शन में से कौन से लाइक फ्रैक्शन है और कौन से अनलाइक फ्रैक्शन है। ऑप्शन ए है 3/12 एंड 5/12, ये है लाइक फ्रैक्शन क्योंकि इसके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके साथ हम लिखेंगे लाइक फ्रैक्शन। पार्ट सी 18/20 एंड 19/21, ये है अनलाइक फ्रैक्शन क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है। इसी मेथड के साथ आपने बाकी पार्ट्स को खुद आइडेंटिफाई करके लिखना है कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। रीराइट दीज फ्रैक्शंस सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। मींस आपने फ्रैक्शन को दोबारा लिखना है, उसको डिनोमिनेटर को कॉमन करके, मींस कॉमन डिनोमिनेटर को आपने सेम बनाना है। पार्ट ए और पार्ट एफ आपके लिए हम बोर्ड पे करेंगे, इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो होंगे वो आपने खुद से प्रैक्टिस करने। फर्स्ट पार्ट एक तरफ चलते हैं, 1/2 एंड 1/4। सॉल्यूशन लिखे इक्वल के साइन के साथ आपने एज इट इज वैल्यू उतारनी है नीचे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, तब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है 2 एंड 4। दोनों डिजिट्स को हमने सेम टेबल पे डिवाइड करना है। 2 के टेबल पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, अगेन 2 1s are 2 और 2 1s are 2। हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 2 multiply 2 is equal to 4। मीन्स हमने डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 4 बनाना है।
तो हमने टू का टेबल पढ़ना है कि कौन से टेबल तक हम पढ़ेंगे, तो इसको फोर आंसर आएगा, टू वन जार टू, टू टू जार फोर। न्यूमिनेटर को भी आपने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यहां हमारे पास फोर ऑलरेडी गिवन है, तो फोर को हम चेंज नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे। टू वन जार टू, टू टू जार फोर, वन वन जार वन, फोर वन जार फोर। ये है हमारा कॉमन डिनोमिनेटर। पार्ट नंबर एफ, टू बाय सेवन एंड फाइव बाय फोर्टीन। सेम में हमने इसको एज इट इज लिखना है सॉल्यूशन के बाद। नेक्स्ट हमने सेवन और फोर्टीन का एलसीएम लेना है, जो कि हमारा डिनोमिनेटर है। सेवन एंड फोर्टीन, सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना है आपने। सेवन मारा, टू थ्री फोर किसी टेबल में नहीं आता, दैट्स व्हाई हम सेवन के टेबल से स्टार्ट करेंगे। सेवन वन आर सेवन, सेवन टू आर फोर्टीन। नेक्स्ट हमारे पास टू बचे, तो टू के टेबल पर डिवाइड करेंगे, टू वन आर टू। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा सेवन मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू फोर्टीन। इसका मतलब आपने डिनोमिनेटर को फोर्टीन बनाना है, तो सेवन को टेबल पढ़ना है आपने कि फोर्टीन कहाँ तक आएगा। सेवन टू आर फोर्टीन, सेम वैल्यू के साथ आपने न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी फोर्टीन है, तो फोर्टीन वन जार फोर्टीन और फाइव वन जार फाइव। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी फोर्टीन है, इसलिए हमें इसको वन से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिरेटर को भी। फाइव वन जार फाइव, फोर्टीन वन जार फोर्टीन, टू टू जार फोर, सेवन टू जार फोर्टीन एंड फाइव वन जार फाइव, फोर्टीन वन जार फोर्टीन। ये हमारा कॉमन डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, आज ही हमारी मैथ की डायरी यहाँ कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, आए चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस की तरफ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर फोर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों की खसूसियात। इस लेसन में हम लोगों ने जानदारों की खसूसियात के बारे में स्टडी करना है। आप लोगों की बुक का है पेज नंबर 31। रिकॉल, लास्ट प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ, फील, ग्रो, मूव, ईट एंड रिप्रोड्यूस। तमाम जानदार सांस लेते, बढ़ते, खुराक खाते और बढ़ते हैं। तमाम जानदार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, उन्हें रोशनी और खुराक की भी ज़रूरत होती है। हमें पौधों और जानवरों का ख्याल रखना चाहिए ताकि मुकम्मल मुतवाजन बरकरार रह सके। वी विल लर्न दैट, इस लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, कि तमाम जानदार खुलियों से बने हैं। जानदारों को भी पानी, हवा और मादनियात, दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। ये भी एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं और इनकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। आए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तमाम जानदार खुलियों से बने होते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल किसी भी ज़िंदगी की बुनियादी इकाई होते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लांट, एनिमल सेल। एनिमल सेल में हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, फिर इसकी आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म और ये यहाँ पे वैक्यूल होता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने प्लांट सेल की तरफ। प्लांट सेल में भी हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और सेल वॉल होते हैं। अब हम चलते हैं अपने एनिमल और प्लांट सेल के फंक्शंस की तरफ। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन
किसी भी सेल की बाहर वाली कवरिंग होती है. इट अलाउज ओनली सर्टेन मटेरियल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ सेल्स. ये सिर्फ चंद मादों को सेल के अंदर और बाहर आने की इजाज़त देता है. इट आल्सो गिव्स सेल इट्स शेप, और ये सेल को इसकी शक्ल भी फराहम करता है. उसके बाद न्यूक्लियस. ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. तमाम सेल की सरगर्मियाँ न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है. नेक्स्ट साइटोप्लाज्म. इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल. ये जेली की तरह का एक मादा होता है. ऑल द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स आर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग. तमाम अज़ा सेल के इसके अंदर मौजूद होते हैं या मुअत्तल होते हैं. नेक्स्ट वैक्यूल. द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज़ टू स्टोर फूड वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस. वैक्यूल का काम खुराक पानी और वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करना है. नेक्स्ट प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. प्लांट सेल में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं. विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सन एंड हेल्प्स द प्लांट टू मेक इट्स फूड. जो सन से एनर्जी लेकर प्लांट को अपनी खुराक तैयार करने में मदद देता है. उसके बाद सेल वॉल. इट इज़ मेड अप ऑफ अ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज. ये एक टफ मटेरियल से बना होता है जिसे सेलुलोज कहते हैं. इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल. ये प्लांट सेल को की हिफाजत करता है और उसकी सपोर्ट करता है. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे. प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है. दे बोथ कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. दोनों में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है. अ प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल एंड एनिमल सेल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स. प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है जबकि एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे और भी वैक्यूल्स होते हैं. प्लांट सेल्स आल्सो कंटेन सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होती है. डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक यहीं तक था. साइंस की डायरी यहाँ पर कंप्लीट होती है. अल्लाह हाफिज़. आइए स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट सोशल स्टडी की तरफ. आज हम यूनिट नंबर फोर स्टडी करेंगे. चैप्टर नेम है लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स मीन ज़मीनी साह. चैप्टर को रीड आउट करने से पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग करेंगे. तो फर्स्ट वर्ड है लेयर्स, तहें, अर्थक्वेक्स, जलजले, वोल्केनोज, आतिशफशां, टाइडल वेव, समुद्री लहर, कॉन्टीनेंट्स, बरेआज़म, रीजन्स, इलाके या खित्ते, क्लाइमेट, आबोहवा, वेजिटेशन, नबातात, कॉन्स्टेंटली, मुसलसल. आइए स्टूडेंट, हम आपको चैप्टर को रीड आउट करते हैं. सबसे पहले आपने अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन करना है. यूनिट नंबर फोर लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स मीन्स ज़मीन की कुदरती साख्त. अ लैंडफॉर्म इज़ अ नेचुरल फीचर ऑफ अर्थ सरफेस. लैंडफॉर्म्स ज़मीन की सतह के कुदरती खदोहाल को कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर माउंटेंस, पहाड़, वैलीज, वादियाँ, प्लेटियोस, सतह मुर्तफा, डेजर्ट्स, रिगस्तान एंड प्लेन्स और मैदान आर आल डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. ये सब मुख्तलिफ ज़मीन की साख्तें हैं. द अर्थ कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स. ज़मीन चार तहों पर मुश्तमिल होती है. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट. ज़मीन की बैरूनी सतह को क्रस्ट कहते हैं. द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज मूविंग पीसेज ऑफ रॉक्स काल टेक्टोनिक प्लेट्स. क्रस्ट चट्टानों के बड़े
हरकत करते हुए टुकड़ों से मिलकर बनी है जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो कि मुसलसल हरकत करते रहते हैं। द पॉइंट वेयर टू प्लेट्स मीट इज कॉल्ड अ बाउंड्री, जहां दो प्लेट्स आपस में मिलती हैं उसको हम बाउंड्री कहते हैं, वो पॉइंट हमारा बाउंड्री कहलाता है। एंड इट इज हेयर दैट अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज आर मोस्ट लाइकली टू अकर, जहां दो प्लेट्स आपस में मिलती हैं वहां अक्सर जलजले और आतिशबाजी भी बनते हैं। एंड अर्थक्वेक कैन आल्सो काज अ सुनामी, जलजले सुनामी की वजह भी बनते हैं। अ सुनामी इज अ ह्यूज टाइडल वेव काज बाय एन अर्थक्वेक अंडर द ओशन। सुनामी समंदर की सबसे बड़ी लहर है जो कि जलजले की वजह से बनती है। ओवर टाइम द कंटिन्यूस शिफ्ट ऑफ दीज प्लेट्स, वक्त गुजरने के साथ साथ ये प्लेट्स मुसलसल शिफ्ट होती रहती हैं, सिरकती रहती हैं, आल्टर एग्जिस्टिंग लैंड फॉर्म्स एंड न्यू क्रिएट न्यू वंस, और इन प्लेट्स के सिरकने से जो एग्जिस्टिंग मौजूदा लैंड फॉर्म्स हैं उनकी जगह नए लैंड फॉर्म्स आ जाते हैं। डिड यू नो दैट 200 मिलियन ईयर्स अगो ऑल ऑफ द 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वर जॉइंड टुगेदर, क्या आप जानते हैं कि 200,000 साल पहले दुनिया के 7 बड़े आज़म इकट्ठे थे, और मिलियंस ऑफ ईयर्स हजारों साल गुजरने के बाद दे हैव ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड अपार्ट, ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होते गए। द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड विंड आल्सो क्रिएट लैंड फॉर्म्स, पानी और हवा की मूवमेंट जो है हरकत वो नए लैंड फॉर्म्स बनाती हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान, इस सबक में आप पाकिस्तान की बड़े लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तबई खिते, देर आर टू सेपरेट फिजिकल रीजन्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में दो अलग तबई खिते हैं, दीज आर द वेस्टर्न हाईलैंड्स, मगरबी पहाड़, द इंडस रिवर प्लेन्स और दरियाए सिंध के मैदान। दीज रीजन्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम ईच अदर, ये दोनों खिते एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दे हैव देयर ओन लैंड फॉर्म्स क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, इनकी अपनी ज़मीनी साख्त है, आबो हवा और निबातात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दीज डिफरेंसेस हैव एन इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल, यही फ़र्क जो है लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होता है। ये था हमारा आज का लेसन, आज की डायरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज़।